नमस्कार दोस्तों, आज हम क्यूटी की क्यूएमएल की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं दिस चैनल पे। तो आपको क्यूटी से रिलेटेड जो भी यूआई डिजाइन करना है, सी प्लस प्लस है, क्यूटी की नेटिव सी प्लस प्लस है, या जो क्यूटी की सी प्लस प्लस है उसको कैसे सीखेंगे, तो हम इस सीरीज में स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक से, फ्रॉम सिग्नल स्लॉट एंड यूआई, हाउ टू डेवलप यूआई फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्यूटी को इंस्टॉल कैसे करते हैं, और उसको सबसे पहले इंस्टॉल करने के बाद क्यूटी को एक्सप्लोर करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस पर क्यूटी क्या बर्जनिंग सिस्टम प्रोवाइड करती है, जैसे कि क्यूटी फॉर द डिवाइस क्रिएशन, क्यूटी फॉर द एमसीयू, एंड क्यूटी फॉर द डेस्कटॉप, एंड क्यूटी फॉर ओपन सोर्स, एंड क्यूटी कमर्शियल, एंड डिफरेंट डिफरेंट और द क्यूटी। एंड उसके बाद हम वन बाय वन वीडियो को स्टार्ट करेंगे अपने इसी यूट्यूब चैनल पर, टू बेसिक टू एडवांस लेवल। तो सबसे पहले हम क्यूटी की वेबसाइट पर जाएंगे और वहाँ से हम क्यूटी का ऑनलाइन इंस्टॉलर डाउनलोड करेंगे। सो आपको जस्ट सर्च करना है क्यूटी, इट विल रीडायरेक्ट टू द क्यूटी वेबसाइट विच इज कॉल्ड द qt.io। सो वेयर वी कैन हेयर यू सी द डाउनलोड, सो वी कैन डाउनलोड फ्रॉम हेयर द क्यूटी ओपन सोर्स वर्जन। वेन यू आर इन डेवलपमेंट फेज और यू आर स्टार्टिंग द लर्निंग ऑफ क्यूटी और सी प्लस प्लस, देन इट्स टाइम टू डाउनलोड द ओपन सोर्स वर्जन। एंड इफ यू आर डेवलपिंग सम डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट, देन यू नीड टू परचेज द लाइसेंस फ्रॉम द क्यूटी। दे विल प्रोवाइड फोर डिफरेंट डिफरेंट क्यूटी वर्जनिंग लाइसेंस फॉर दैट, और क्यूटी डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस, क्यूटी डेवलपमेंट लाइसेंस फॉर द इंडिविजुअल डेवलपर एंड फॉर द कंपनी, इट्स कॉल्ड इट द क्यूटी कमर्शियल। सो आज हम डाउनलोड करना सीखेंगे क्यूटी का ओपन सोर्स वर्जन, एंड उसको क्यूटी क्रिएटर को एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे क्यूटी क्रिएटर वर्क करता है। ठीक है, तो हम डाउनलोड के पे जाएंगे और यहाँ से क्यूटी ई का ऑनलाइन इंस्टॉलर को डाउनलोड करेंगे। आप ऑफलाइन इंस्टॉलर भी डाउनलोड कर सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे। तो ये वेबसाइट जो क्यूटी की है वो अपने आप डिटेक्ट कर लेती है आप जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर रहा है, जैसे कि मैं विंडो को यूज कर रहा हूँ, आप लाइनक्स का और मैक ओएस को भी यूज कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू योर सिस्टम इट विल सजेस्ट टू डाउनलोड फॉर दैट ऑपरेटिंग सिस्टम। सो हम यहाँ से क्यूटी को डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये सबसे पहले फ्री एवोल्यूशन के लिए आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन कैरी करेगा, तो आप अगर इन्फॉर्मेशन दे देंगे तो ये डाउनलोड कर देगा, अदरवाइज हमें क्या करना होगा, अकाउंट बनाएंगे यहाँ पे क्यूटी का। क्यूटी का अकाउंट बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अपनी पर्सनल मेल का यूज कर सकते हैं। पर्सनल आपके पास मेल नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, टेम्प मेल को सर्च करें। टेम्पररी मेल से क्या करता है, ये टेम्प मेल है वो 10 मिनट्स के लिए टेम्पररी मेल जनरेट करके देता है, जिससे आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, और उससे अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप इस सिक्योरिटी को डाउनलोड कर लें, तो ये आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन को फैच भी नहीं कर पाएगा। तो हम सबसे पहले क्रिएट अकाउंट कर लेते हैं। क्रिएट अकाउंट में हमें क्या करना होगा, ईमेल डालना होगा, उसके बाद हम पासवर्ड एंटर कर देंगे। तो मैं अपना पासवर्ड एंटर कर देता हूँ। तो अकाउंट क्रिएट हो चुका है अपना, तो हम यहाँ से इसे देख सकते हैं। यहाँ पे एक मेल रिसीव होगा हमें टेम्प मेल में, और क्यूटी वेरिफिकेशन के लिए जो आ गया है मेल, हम इसको यहाँ से क्यूटी को वेरीफाई कर देते हैं। तो ये हमारा क्यूटी अकाउंट वेरीफाई हो चुका है। तो यहाँ पे हम सिंपल अपना नाम डाल देंगे जो भी है, सिलेक्ट रोल एज ए क्यूटी डेवलपर इंजीनियर एंड आई एम इंडिविजुअल, सिलेक्ट कंट्री तो इंडिया कर देंगे उसको, सिटी देन अकॉर्डिंग डाल लेना दिल्ली,
एंड फोन नंबर को एम्प्टी छोड़ देंगे, कंफर्म को दबाएंगे और इसे साइन इन कर लेंगे। साइन इन करने के बाद आपको ये इस तरह का कुछ इंटरफेस दिखेगा, तो आप यहाँ से बायआउट भी कर सकते हैं क्यूटी को। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ओपन सोर्स के साथ जाएं जब आप लर्निंग फेज में हैं, या फिर आप डेमो एप्लीकेशन क्रिएट करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, क्यूटी ओपन सोर्स के साथ जा सकते हैं। तो आप यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट क्यूटी ओपन सोर्स भी सोर्स कोड अवेलेबल है। तो यहाँ से हम ये जो दिख रहा है कि क्यूटी फॉर ऑनलाइन इंस्टॉलर, तो हम क्यूटी का ऑनलाइन इंस्टॉलर को डाउनलोड कर लेंगे। तो सिलेक्ट करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ से, और यहाँ से जो ये क्यूटी का डाउनलोड कर देगा। इसके बाद हम सिंपल इसको इंस्टॉल कर लेंगे डबल क्लिक करके। ये दोबारा से यहाँ पे हमारी अकाउंट इन्फॉर्मेशन मांगेगा, तो हम क्या करेंगे, सिंपली अपनी अकाउंट इन्फॉर्मेशन जो हमने कॉपी की थी उसी को डालेंगे और पासवर्ड एंटर करेंगे। इसके बाद ये रीडायरेक्ट कर देगा यहाँ पे, क्यूटी सेटअप फॉर वेलकम टू क्यूटी सेटअप। नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे। यहाँ पे जो है वो क्यूटी डिजाइन स्टूडियो भी दिया है और क्यूटी कस्टम इंस्टॉलेशन में दिया है। डिजाइन स्टूडियो यूज करते हैं जब हम कोई यूआई कंपोनेंट से, लाइक वी हैव द इमेजेस एंड डिजाइन ऑलरेडी वी हैव, एंड आफ्टर दैट वी डिजाइन द सम यूआई विदाउट कोडिंग, यू डोंट नो द हाउ टू कोड, देन यू गो विद द डिजाइन स्टूडियो। इफ यू हैव द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द यू आई, लाइक यू आर डिजाइनिंग द कार्स क्लस्टर, इट्स अ कॉम्प्लेक्स हाईली सम, मोस्ट ऑफ द टाइम द क्यूटी डिजाइन स्टूडियो आर यूजिंग द इमेजेस, हाई क्वालिटी इमेजेस, वेक्टर्स, एंड इफ यू ऑलरेडी लाइक फिग्मा डिजाइंस और द फोटोशॉप डिजाइन PS1, सो यू कैन डायरेक्टली इम्पोर्ट दैट डिजाइन इन क्यूटी डिजाइन स्टूडियो। बट फॉर इम्पोर्टिंग दैट डिजाइन यू नीड परचेज द क्यूटी लाइसेंस फ्रॉम क्यूटी वेबसाइट। ओके, सो अभी हम क्यूटी डिजाइन स्टूडियो को इग्नोर करेंगे, अभी हम सिंपल क्यूटी का इंस्टॉलेशन देखेंगे, क्यूटी कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो हमारे में क्या है, क्यूटी ऑलरेडी इंस्टॉलेड है, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंट डायरेक्टरी चूज कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे एक फोल्डर बनाते हैं न्यू क्यूटी, और इसी क्यूटी इसी में हम क्या करेंगे, अपनी नई क्यूटी को इंस्टॉल करेंगे। तो ये डिफरेंट डिफरेंट वर्जन हमें शो करता है क्यूटी का, ये जो डिफरेंट डिफरेंट वर्जन है, तो ये क्यूटी क्रिएटर देगा हमें, डिबगिंग के लिए टूल देता है, ये हमारे जो कंपाइलर्स हैं मिनजी के हैं, आप MSVC यूज करना चाहते हो, OpenSSL है, ये हम बाद में देखेंगे। और इसके साथ हमारा एक और टूल इंस्टॉल होता है, मेंटेनेंस टूल। जब हम क्या करेंगे, जब आगे इंस्टॉल कर लेंगे क्यूटी और जब रन करेंगे, तो हमें कुछ कंपोनेंट्स की और ज़रूरत होती है, तो हम उस टाइम क्या करते हैं, मेंटेनेंस टूल को रन करते हैं। मेंटेनेंस टूल क्या करते थे, हमारे एग्जिस्टिंग क्यूटी इंस्टॉलेशन में उस लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने के लिए यूज होता है। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट क्यूटी वर्जन दिए हुए हैं, ये जो क्यूटी 6 है वो लेटेस्ट LTS रिलीज है, एंड क्यूटी 1.52 ओल्डर LTS रिलीज है, विच इज पब्लिश एज ओपन सोर्स। तो हम अभी क्या करेंगे, क्यूटी का जो 5.2 है इसको इंस्टॉल करेंगे, बिकॉज इन फ्यूचर वी आर ऑल्सो सीइंग द मैप इंटीग्रेशन, हाउ टू मैप इंटीग्रेट लाइक मैजिक लैन है विच प्रोवाइड द मैपिंग फंक्शनैलिटी गूगल मैप, सो दे ऑल्सो सपोर्ट फॉर द 5.1.52 क्यूटी वर्जन, सो दे प्रोवाइड सम लाइब्रेरी फॉर द क्यूटी नेविगेशन, एंड आफ्टर दैट वी एड इन दिस 5.1.5.2, सो वी सी हाउ टू इंटीग्रेट द मैप इन फ्यूचर वीडियोज,
विद दैट वर्जन। सो आप चाहो तो नए वर्जन को क्यूटी के भी इंस्टॉल कर सकते हो, आपको जैसा अच्छा लगे। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि जब आप हमें फॉलो कर रहे हैं, हमारी सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, तो आप इसी को साथ साथ इंस्टॉल कीजिए, जिससे आपको कोई भी इन फ्यूचर प्रॉब्लम आती है तो आप हमें डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में पूछ सकें। तो हम उसके लिए सबसे पहले इस क्यूटी को इंस्टॉल करते हैं। तो देखते हैं इस क्यूटी के साथ हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा क्या क्या हमें इस कंपोनेंट में चाहिए। तो हम जो मैजिक लैन है क्यूटी की, जो मैपिंग है वो प्रोवाइड करता है 64 वर्जन के साथ, वो 32 वर्जन को सपोर्ट नहीं करता। तो हम क्या करेंगे, MSBC 19, विजुअल स्टूडियो कोड 19 के साथ जाएंगे और 64 वर्जन को सिलेक्ट करेंगे। तो हमारे पास ये जो कंपाइलर आ जाएगा फॉर MSBC 64 बिट के लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, सोर्स को क्लिक करेंगे। सोर्सेस हमें चाहिए। सोर्स क्या करता है, क्यूटी का सोर्स कोड प्रोवाइड करता है, और कह सकते हैं कि जो स्टैक प्रोवाइड करता है, जिससे हम क्या करेंगे क्यूटी का एप्लीकेशन बिल्ड करेंगे या क्यूटी का एप्लीकेशन डेवलप करेंगे। जो भी लाइब्रेरी है वो सब सोर्सेस में होती है। आगे चल के हम देखेंगे क्यूटी चार्ट क्या होता है, चार्ट कैसे ऐड करते हैं, कि जब हमें विजुअलाइजेशन चाहिए होगा तो हम उसके लिए यूज करेंगे चार्ट का। डाटा विजुअलाइजेशन हो गया। वर्चुअल कीबोर्ड है जो टच स्क्रीन रहती हैं, जिन पर टच स्क्रीन। तो अब हम अभी डेस्कटॉप पे काम करने वाले हैं, बट इन फ्यूचर हम वी डेफिनेटली वर्क ऑन द क्यूटी वर्चुअल कीबोर्ड। सो उस टाइम हम क्या करेंगे, वर्चुअल कीबोर्ड को हम ऐड कर लेंगे। क्यूटी वेब इंजन, इफ यू आर डेवलपिंग सम लाइक ब्राउजर एप्लीकेशन और यू आर डेवलपिंग योर ओन ब्राउजर, देन यू कैन गो विद दैट क्यूटी वेब इंजन। सो यू कैन जस्ट सेलेक्ट हेयर द वेब इंजन, तो वेब इंजन एंड देन वेब असेंबली फॉर दैट। और इसके बाद हम कुछ करेंगे नहीं। तो इसमें हमने जो MSBC कंपाइलर है सोर्स को चेक कर दिया, बस इसके बाद हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। और जो ऑलरेडी जो भी सिलेक्टेड है क्यूटी क्रिएटर है, हम डिफॉल्ट सिलेक्टेड रखेंगे। इनमें से हमें कुछ इंस्टॉल नहीं करना है। ये डिजाइन स्टूडियो भी दे देगा हमें, अगर हम इसको इंस्टॉल करते हैं तो हम डिजाइन स्टूडियो भी बाद में एक्सप्लोर कर लेंगे, कि डिजाइन स्टूडियो को कैसे यूज करते हैं। तो हम नेक्स्ट क्लिक करेंगे एंड जो भी लाइसेंस है उसके एक्सेप्ट करेंगे एंड क्यूटी के साथ आगे। तो ये कुछ स्पेस है आपके, जो रिक्वायर्ड होगा वो इतना यूज करेगा, तो इसको हम सिंपली इंस्टॉल कर देंगे। तो ये क्या करेगा, 1.75 GB का है जो भी डेटा, तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लें, ये हमारे ऑलरेडी सिस्टम में इंस्टॉलेड है तो हम इसे इंस्टॉल नहीं करेंगे दोबारा से। तो दैट्स ऑल फ्रेंड फॉर टुडे। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो वेयर आई एक्सप्लोर द क्यूटी क्रिएटर एंड व्हाट द डायरेक्टरी इनसाइड द क्यूटी फोल्डर। ओके, सो थैंक यू गाइस, एंड प्लीज सब्सक्राइब इफ यू आर नॉट सब्सक्राइबिंग आवर चैनल, देन यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू गाइस।